नंबर वन, सबसे पुराना गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाने का चलन 271 BC से चालुक्य के साथ वाहन और राष्ट्रकूट साम्राज्यों में पाया गया है। नंबर टू, भगवान शिव ने गणेश जी को यह वरदान दिया था कि सब देवी देवताओं से पहले उनकी पूजा की जाएगी। नंबर थ्री, ऐसा माना जाता है कि महाभारत के असली लेखक गणेश जी हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी को महाभारत को समझने योग्य पाया, इसलिए उन्होंने गणेश जी के सामने महाभारत का वर्णन किया और उनसे निर्बाध लिखने को कहा। नंबर फोर, गणेश जी को कुछ लोग अविवाहित मानते हैं, लेकिन उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि जुड़वा बहनें थीं और उनके दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। नंबर फाइव, गणेश भगवान की पूजा केवल हिंदुओं में ही नहीं बौद्धों में भी की जाती है। बौद्ध उन्हें विनायक के नाम से पुकारते हैं। तिब्बत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया में उनकी पूजा की जाती है। नंबर सिक्स, पहली बार सार्वजनिक गणपति पूजा का आह्वान 1893 में महान क्रांतिकारी लोकमान्य तिलक द्वारा किया गया था, ताकि इसी बहाने लोगों में देशभक्ति और एकता की भावना मजबूत हो सके, क्योंकि उस वक्त लोगों के इकट्ठा होने पर भी अंग्रेजों ने पाबंदी लगा रखी थी। नंबर सेवन, सबसे लंबी गणपति विसर्जन की यात्रा मुंबई के लाल बागचा राजा की होती है, जो सुबह 10 बजे शुरू होकर अगले दिन सुबह खत्म होती है। नंबर एट, 2016 में GSB किंग सर्किल की गणेश मूर्ति का सबसे महंगा 300 करोड़ का इंश्योरेंस किया गया था। फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।